Hello learners, welcome to eVidya classes. Myself Rajmohan Pandey, SEO Physics and IOS. Today we will start a new chapter of senior secondary physics, chapter number 11, thermodynamics. Thermodynamics ushmagatiki. Thermodynamics is a branch of physical science which deals with energy and its different form. Ushmagatiki भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जो ऊष्मा और ऊर्जा के विभिन्न रूपों को के बारे में बताता है. इन दिस टॉपिक वी विल एक्सप्लेन इंडिकेटर डायग्राम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ट्रिपल पॉइंट, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड कार्नोट साइकिल. आज के सेशन में हम इंडिकेटर डायग्राम, रिलेशन है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसके बारे में. जो ग्राफ हमें रिप्रेजेंट करता है वो इंडिकेटर डायग्राम है. जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स के तीन लॉ हैं. जो पहला लॉ है वो जीरोथ लॉ है. उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो फर्स्ट लॉ आफ्टर द जीरोथ लॉ, द लॉ कम्स इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. After first law of thermodynamics, we will know about triple point. Triple point, a point we show a relation between the states of matter, solid, liquid and gas. How one form of the matter is converted to the another form of the matter. Second last is second law of thermodynamics. And last one is Carnot cycle, which is based on your a perfect engine. Heat. We know all about heat. ऊष्मा के बारे में हम जानते हैं कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं, जैसे खाना बनाने का काम, तो खाना बनता है लेकिन उसमें जो एनर्जी है, जो ऊष्मा का प्रकार है, ऊर्जा का प्रकार, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है, बदलता रहता है. जैसे खाना बनाने के लिए हम या तो किसी गैस का यूज करते हैं और किसी वुड का या कोल का, कोयले का, लकड़ी का यूज करते हैं. लेकिन जब हम इसको बनाते हैं तो एक फॉर्म से जो एनर्जी है हमारे पास, हीट, वो प्रोड्यूस होती है और इट कन्वर्ट टू द अनदर फॉर्म एनर्जी, ऊष्मा के दूसरे रूप में उसका परिवर्तन होता है. जैसे हम जानते हैं कि एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही हम उस ऊर्जा को बना सकते हैं ना उसको नष्ट कर सकते हैं, बट वी कैन चेंज इट्स फॉर्म, हम उसके रूप को बदल सकते हैं. जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाइड्रोस्टेटिक एनर्जी, पानी से हम ऊर्जा बनाते हैं जो हमें इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के रूप में मिलती है. सोलर एनर्जी, वाटर एनर्जी, केमिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी. तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऊष्मा है वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है. जब भी हम किसी कार्य को करते हैं तो उसमें ऊष्मा का प्रदान एक से दूसरे रूप में होता है. तो हीट, ऊष्मा के लिए हम मेनली जो काम करते हैं वो ही हमारी ऊष्मा को व्यक्त करता है. एनर्जी इज मेनली वर्क डन बाय एनी ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु के द्वारा या किसी के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो ही ऊष्मा है. सो द फॉर्म ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर्ड बिटवीन द टू सिस्टम और ए सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस. जब किसी सिस्टम के द्वारा, निकाय के द्वारा या निकाय से बाहर उसकी सराउंडिंग पे ऊष्मा का जो ट्रांसफर होता है, हस्तांतरण होता है, उसी को ऊष्मा कहते हैं. यहाँ पर को सिस्टम एंड सराउंडिंग दो वर्ड यूज हो रहे हैं. सिस्टम, सिस्टम यूनिवर्स का वो पार्ट है जिसे हम कंसीडर करते हैं, जिसके बारे में हमें बात करनी है, वो हमारा सिस्टम कहलाता है. एंड अपार्ट फ्रॉम द सिस्टम रिमेनिंग इज सराउंडिंग. जो सिस्टम, जैसे हमने एक चैम्बर लिया हुआ है, इस चैम्बर की अगर हम बात करें तो ये सिस्टम है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं. इसके अलावा जहाँ पर इसे रखा गया है वो
सराउंडिंग है। ये सराउंडिंग कुछ भी हो सकती है, एयर भी हो सकता है या कोई कंटेनर हो सकता है जिसके बारे में हम उस सिस्टम को रख रहे हैं। एंड सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम के चारों ओर का वो क्षेत्र, सरफेस अराउंड द सिस्टम इज नॉन एज योर बाउंड्री, उसे हम बाउंड्री कहते हैं। और बाउंड्री दो टाइप की हो सकती है, रियल एंड इमेजनरी, वास्तविक भी हो सकती है और काल्पनिक भी हो सकती है। तो इस केस पे ये हमारे पास बाउंड्री है एंड दिस इज सिस्टम एंड दिस रेक्टेंगल रिप्रेजेंट सराउंडिंग। सो द फॉर्म ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर्ड बिटवीन टू सिस्टम और सिस्टम, अगर मैं एक सिस्टम और ले लूं यहां पर को, तो एनर्जी का जो ट्रांसफर होगा, जो ऊष्मा का जो स्थानांतरण होगा, इससे इस पे, ए से बी पे फ्लो ऑफ हीट, दिस इज नॉन एज हीट। तो ऊष्मा, टेम्परेचर डिफरेंस, और आपको मालूम है कि हीट ऑलवेज पासिस फ्रॉम हॉटर बॉडी टू द कोल्डर बॉडी, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर को ऊष्मा का संचार होता है। अगर हम देखें दिस इज थर्मामीटर विच हैव द टेम्परेचर इज 75 डिग्री सेल्सियस एंड अनदर विच हैव टेम्परेचर इज 50 डिग्री सेल्सियस एंड वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स, वन इज ए एंड सेकेंड इज बी। एक ए है जिसका टेम्परेचर, जो तापमान है वो 75 डिग्री सेल्सियस है, और दूसरा इसका तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है। देन हीट विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की ओर को ऊष्मा का स्थानांतरण होगा। तो ऊष्मा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि जब किसी वाटर का, किसी पानी का टेम्परेचर एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, मीन्स 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस, एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए ऊष्मा की जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट ऑफ द हीट इज नॉन एज स्पेसिफिक हीट। किसी भी मास को एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना भी ऊष्मा का मान हमें चाहिए, उसको एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो उसे हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं या विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। यूनिट ऑफ हीट, जो ऊष्मा का एसआई मात्रक है वो कैलोरी है। एंड वन कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, जूल में इसलिए कन्वर्ट किया कि हम ये मान के चलते हैं कि जो हीट है वो एनर्जी के वर्क डन के बराबर होती है। तो वर्क डन के बराबर जब हो रही है तो जो ऊष्मा है वो कार्य के बराबर है। तो ऊष्मा और ऊर्जा आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं, जितना वर्क डन होगा उतना ही उस पर एनर्जी रिलीज होगी। एंड वन के कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरी। एंड नेक्स्ट वन इज कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, इट इज ए प्रॉपर्टी विच डिटरमाइन वेदर और नॉट
इट इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अदर बॉडीज। जब हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो थर्मल इक्विलिब्रियम हीट एक हॉट सोर्स से कूलर सोर्स की ओर को ट्रांसफर होती है। तो टेम्परेचर इज जनरली गिव्स अस द हॉटनेस और कोल्डनेस, दोनों, या तो वो वस्तु ठंडी होगी या गर्म होगी, इसके बारे में हमें बताता है। सो इट इज ए प्रॉपर्टी विच डिटरमाइन, जो हमें ये बता रही है वेदर और नॉट इट इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, मीन्स दोनों का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो बराबर होना चाहिए। अगेन देखें, एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो और दूसरा 50 डिग्री सेल्सियस में, टेम्परेचर डिफरेंस, दोनों का जो तापमान का अंतर है वो 50 डिग्री सेल्सियस का। तो अब इन दोनों को जब कांटेक्ट पे लाया जाएगा, मीन्स इसको मैं यहाँ से ब्रिंग करके इसके नज़दीक लाता हूँ, when it meet and join, then the temperature 100 degree Celsius and 50 degree Celsius, heat will transfer from 100 degree Celsius to the 50 degree Celsius till it remain constant. Next session पर हम इससे आगे बात करेंगे। थैंक यू।